मामले में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि महिलाओं के अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि पर्सनल लॉ का हवाला देकर तीन तलाक को जायज नहीं ठहराया जा सकता और पर्सनल लॉ संविधान के दायरे में ही आता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तीन तलाक और फतवे पर अहम फैसला देते हुए कहा है कि पर्सनल लॉ के नाम पर मुस्लिम महिलाओं समेत सभी नागरिकों को प्राप्त अनुच्छेद 14, 15 और 21 के मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता और जिस समाज में महिलाओं की इज्जत नहीं होती उसे सभ्य नहीं कहा जा सकता। कोर्ट ने माना कि मुस्लिम पतियों द्वारा दिया गया तीन तलाक देने का तरीका महिलाओं के समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये बातें तीन तलाक के मामले में एक पीड़िता की याचिका पर सुनवाई के दौरान कही। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट में तीन तलाक मामले पर 11 मई से रोजाना सुनवाई होने जा रही है और सलमान खुर्शीद को न्याय मित्र के तौर पर नियुक्त किया गया है और तीन तलाक से जुड़े मामले पर हमारे संवाददाता वसीम हैदर ने मुंबई में एक मुस्लिम परिवार से खास बातचीत की। इस मुद्दे पर रिजवान खान का कहना है कि तीन तलाक का मुद्दा सामाजिक चेतना का तो लगता है लेकिन सरकार को इसमें दखल करने की जरूरत नहीं है। चल रही है इस वक्त हम मुंबई में हैं और मुंबई के एक परिवार से बात करते हैं। क्या सोचना है आखिर मुंबई के परिवार का? बताइए ट्रिपल तलाक को लेकर जिस तरह से बहस चल रही है क्या ये सामाजिक चिंता का विषय लगता है आपको? सामाजिक चिंता का विषय है लेकिन ऐसे तो देश भर में बहुत सी चिंताएं लगी पड़ी है सिर्फ तलाक का विषय देखकर। सरकार इसमें ज्यादा इसको इशू ना बनाए तो अच्छा है हमारा कहना है कि और भी चीजें हैं जहां पे देखा जाए गौर किया जाए सिर्फ तलाक का मसला लेके ना खड़े रहे। तो क्या ट्रिपल तलाक में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट सरकार से राय मांग रहा है क्या ट्रिपल तलाक के आप हक में है या नहीं है? नहीं ट्रिपल तलाक के हक में जैसे कि शरीयत बता रही है कि ट्रिपल तलाक हमारे में जैसे होना नहीं चाहिए। जहां तक कि अगर उस सिचुएशन हो जाती है तो अगर शौहर दे दे तो वो बात अलग है लेकिन ऐसे कई महिलाओं के घर खराब हुए हैं जो लोगों ने आवाज उठाई है जो नहीं होना चाहिए था। एक चीज और रही कि जिस तरह से सरकार इसमें हस्तक्षेप करे सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए जो शरीयत के हिसाब से पूरा जो कानून पिछले 1400 साल से चल रहा है उस तरह से होना चाहिए। क्या आप समझती है इसको? जैसे हमारी शरीयत पे तो हम चल ही रहे फॉलो कर रहे हम चाह रहे कि हमारे उलेमा इकराम जो करेंगे वही सही रहेगा। अगर सरकार इसमें ना इन्वॉल्वमेंट करे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। आप बताइए क्या सोचती है आप ट्रिपल तलाक करने में? आप भी जवान हैं ट्रिपल तलाक को लेकर आपकी क्या सोच है आखिर? ट्रिपल तलाक होना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी कभी मियां बीवी के बीच में जो कुछ भी इंटरफेरेंस हो जाता है उसकी वजह से होता है तो मेरा भी ये बोलना है कि सरकार इसमें इंटरफेयर ना करे क्योंकि बाकी के देश में बहुत सारे काम है जिसको वो कर सकते। और भी लोग उनसे पूछते हैं बेटा आप बताइए ट्रिपल तलाक को लेकर आप क्या सोचती है? क्या ट्रिपल तलाक आप लोगों के लिए बहुत जरूरी हो गया है जिस तरह से सरकार इसमें हस्तक्षेप करे तो आपको आगे कुछ फायदा होगा? नहीं हमको मतलब अगर ऐसा कुछ हो जाता है हमारी लाइफ में अगर ऐसा कुछ आ जाता है वक्त तो उसमें हो जाए तो हो जाए वरना ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या आप सपोर्ट करती है सरकार की? नहीं। तो क्या लगता है कि आपको कि सरकार को इसमें हस्तक्षेप करने कोई कानून बनना चाहिए?
कानून होना चाहिए, क्योंकि जो महिलाओं के साथ में अत्याचार होता है, गरीब की बेटी होती है उसको तुरंत तलाक दे दिया जाता है, कभी दहेज के लिए कभी किसी और वजह से, तो वो गरीब की बेटी बहुत तकलीफ उठाती है फिर। और अगर माँ बाप उसको लेके कहीं चौकी में जाते हैं कंप्लेंट लिखाने के लिए, तो चौकी वाला बोलता है हमारे पास शादी करने के टाइम तुम आए थे क्या पूछने के लिए, तब तुम्हारी जमात वालों में शादी किया, जाओ तुम्हारी जमात से पूछो, जमात बिठाओ, जमात फैसला करेगी फिर बाद में हमारे पास आना, अगर उन्होंने नहीं सुनवाई की तब हमारे पास आना। तो हम जमात के पास जाते हैं तो वो हमारे को उल्टा सब इस्लामी तरीका सुना देते हैं, उसके बाद गरीब क्या कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जा सकता, वो अपने घर में ही बैठ जाता। फिर दूसरी शादी करने के लिए जब लड़की के लिए कहीं रिश्ता ढूंढते तो लड़की में ही कमी निकालते हैं लोग, कि लड़की में ही कमी होगी इसीलिए इसका तलाक, ऐसे बोलते हैं लोग। लड़की चाहे कितनी अच्छी हो, कहीं दूसरी जगह उसका निकाह हो भी गया तो उसके ससुराल वाले बोलते हैं हाँ इसीलिए तेरा पहला तलाक हुआ क्या, तेरे साथ में ऐसा हुआ इसीलिए तो ऐसी थी इसलिए हुआ, यही ताना सुनती है लड़की जाके। तो ये बहुत गलत होता है, जो हमारे इस्लाम में तीन तलाक दे दी जाती है लड़कियों को और उनको घर बिठा दिया जाता है। और जब तीन तलाक दे दी अगर तो वो लड़की हरगिज उस घर में नहीं रह सकती, क्योंकि वो इस्लाम के दायरे से मतलब उसके बाहर हो गई निकाह के, तो इसलिए वो लड़की मजबूरी में अपने मायके में आके बैठ जाती है और मायके वालों को लाना ही पड़ता है इसको। तो ये सरकार जो कर रही है अच्छा कर रही है, मगर इनको इतना इस्लाम के अंदर नहीं जाना चाहिए। बस महिलाओं को सपोर्ट करो कि जो उनके साथ बुरा हो जाता है तलाक दे दी जाती है तो उसके लिए वो तलाक ना दे और उनको इज्जत से रखे लड़कियों को। वो चाहे मतलब कभी होता है एक परिवार है, कभी कुछ ना कुछ गलतियां भी हो जाती है लड़कियों से, ये नहीं बोलती कि नहीं, मगर उसका थोड़ा कुछ तो सुलसन निकालो कि ठीक है लड़की ने कोई गलती कर दी है तो चार लोगों को बिठाया या उसका कोई सुलसन निकाल के उसको रखा अपने घर में, ये नहीं कि तुम उठे छोटे लड़कियों को तलाक देते जाओ, ये बहुत गलत है। छोटा सा ब्रेक, लेकिन समय पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।